नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज गोयल है। आप सभी लोग बहुत विचलित हैं, बहुत कंफ्यूजन में हैं कि क्या करें, नहीं करें, MBBS अब्रॉड से करें, नहीं करें। और इसी परिप्रेक्ष्य में अभी नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक नया सर्कुलर जारी किया था, जहां उन्होंने कहा था कि आप लोग एक पब्लिक ग्रीवेंस हम सिस्टम बना रहे हैं, जहां वेडनेसडे को एक घंटे के लिए आपसे मिलेंगे। हम लोगों ने दोस्तों एक मेल डाला था नेशनल मेडिकल कमीशन को कि भाई हम लोग भी जानना चाहते हैं एज अ पेरेंट कि बच्चे को भेजना सही है नहीं है, और ऑफिशियल कैपेसिटी में बताइए क्या सही रहेगा नहीं रहेगा। और हमें टाइम मिला था 6 सितंबर का, 10 से 11 के बीच में, 11:30 के बीच में। इनफैक्ट अभी मैं बाहर निकला हूँ अपनी मीटिंग कंप्लीट करके, 11:15 हो रहे हैं। और आपके जितने भी सवाल थे काफ़ी हद तक हम लोगों ने कोशिश किया, और मेरे साथ एक और स्टूडेंट भी गए थे अंदर। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ मेरा क्या इंटरेक्शन रहा, मैं चाहता हूँ एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आप जानिए कि उसको क्या जवाब दिया और उसने क्या सवाल पूछा। मेरे साथ हैं हिमांशु राजपूत। हिमांशु बिलोंग करते हैं बुलंदशहर से, और स्पेशली आज अपने घर से आए हैं यही अपने सवाल लेने के लिए। बहुत मॉडरेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, 400 प्लस का स्कोर है। और हिमांशु आप बताइए अंदर क्या हुआ, एक विस्तार पूर्वक बताइएगा स्टेप बाय स्टेप, कितने लोग थे, क्या सेटअप था, कैसे रहा। 6-7 जने थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी। मैं जब गया तो मैंने सीधा डायरेक्ट सवाल ये पूछा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री वैलिड है FMGL के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने सीधा मना किया कि कोई भी नहीं। फिर मैंने थोड़ा बहुत बोला कि मैं रशिया के बारे में थोड़ा पढ़ के आया हूँ सर, तो मुझे आप उसके अकॉर्डिंग बताइए कि जैसे कि वहाँ पे 6 ईयर का कोर्स है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप बोलते हैं वो, तो आपके FAQs में साफ लिखा है कि इंटर्नशिप आपके कोर्स के बाद होनी चाहिए, तो वो वैलिड होगी या नहीं। उन्होंने कुछ क्लियर आंसर नहीं दिया, साफ साफ कहा कि आप लिखित में हमने दे रखा है, साइट पे मेंशन है, आप उस पे जाके चेक कीजिए, हमने साफ बोला है उसमें। और कुछ सवाल आपने पूछा उन लोगों से? हाँ सर, जैसे कि नेपाल का करिकुलम बिल्कुल इक्विवेलेंट माना जाता है इंडिया के, और लाइसेंस की भी प्रैक्टिस उन्होंने दिया है कि लाइसेंस देंगे, बट मैंने पूछा कि आगे जाके कोई दिक्कत तो नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आप खुद समझदार हैं, आप बिल्कुल अपना देख के जाइए, जो भी होगा आपके आने के बाद ही उसके ज्यूरिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही फैसला लिया जाएगा, आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग कि आपका करिकुलम फॉलो हुआ है। एक एक पॉइंट चेक किया जाएगा जो हमने मेंशन किया, अगर इट्स वैलिड तो वैलिड है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। देखिए इतना मुझे लगता है बेजिम्मेदाराना एटीट्यूड है ये नेशनल मेडिकल कमीशन जिसके सामने आज हम खड़े हैं, और भी बच्चे थे, करीब 26 बच्चों की एंट्री थी आज। आप बच्चे से कह रहे हैं कि आप 6 साल पढ़ लीजिए, 6 साल के बाद हम आपको बताएंगे कि आप हमारे रेगुलेशन फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्या एक मेडिकल बॉडी को ये शोभा देता है, ये जो हजारों बच्चे आज बाहर जा रहे हैं जिस भी एस्पिरेशन से जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं ना, कल को ये वापसी आके इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपना करियर, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पैसा नहीं है इन लोग के पास अफोर्ड करने के लिए, तो आप क्लियर क्यों नहीं कर रहे? सबसे पहला और आखिरी और बार बार यही सवाल हम पूछते आ रहे हैं। आप अगर है भाई, आपसे ज़्यादा अपनी गाइडलाइंस कौन समझता है? आप रोज़ अपने रेगुलेशन में नए पॉइंट ले आते हैं, कभी आप बोलते हैं 4B फुलफिल करिए, फिर आप बोलते हैं करिकुलम फुलफिल करिए, फिर आप बोलते हैं इंडिया का करिकुलम फुलफिल करिए, कैसे बच्चा डिसाइड करेगा? और अब आप बोल रहे हैं बच्चे को जाने के बाद कि हमने सब कुछ तो आपको दे दिया है, वही सेम रिप्लाई जो RTI में आप जवाब देते हैं। देखिए, और मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ कि बच्चे से जो बात हुई हमें यही काफ़ी हद तक सेम रिप्लाई थे। मैंने अपना सवाल पूछा था पर्टिकुलरली जॉर्जिया और रशिया को लेकर, घुमा फिरा के लबाबदार बातें करके कि आप देख लीजिए, समझ लीजिए, हमारे हिसाब से तो लास्ट में जाते जाते बोला देखिए आप समझदार हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, हमारे माने तो आप नहीं जाइए, ये उनका शब्द था। अगर आप ये, पता है मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था, मैंने कहा सर आप लिख के क्यों नहीं दे देते, आप ये वर्बल दबी जुबान में बोल रहे हैं, जाइए मत जाइए, आप खुल के लिख के दीजिए ना, बच्चे को कहाँ समझ में आएगी इस चीज़ को लेकर। लेकिन नहीं, आप जो हम दे चुके हैं आप पढ़ लीजिए, हमारे सारे रेगुलेशन पढ़ लीजिए और फिर देखिए। ये बड़ी ही मुझे लगता है गैर जिम्मेदाराना, और एक नेशनल कमीशन से इस तरह सा बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है इस तरह का बिहेवियर। उम्मीद करता हूँ कि जागिए, प्लीज़ जागिए, ये बच्चे फ्लाई करने जा रहे हैं, छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको भी कहना चाहूँगा फाइनली, एक ईमेल आईडी जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने दिया है grievance_cell@nmc.org.in, आप खुद आइए यहाँ पे, जो भी बच्चे बाहर जाना चाहते हैं आप उनको मेल लिखिए, अपना केस बताइए, अपना एडमिशन लेटर भेजिए और अपनी क्वेरी लिखिए, आपको ज़रूर टाइम मिलेगा जैसे हमें मिला। और आप खुद से ये सुनिए कि वो क्या कहते हैं, और उम्मीद करता हूँ अभी तो जो रिस्पांस था बहुत ही घटिया था, बहुत ही बेकार था, बहुत गैर जिम्मेदाराना था, बच्चे को फंसाने वाली बात हो जाएगी इस तरीके से तो। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज दीजिए, कहीं ना कहीं दे शुड रियलाइज इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट द स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट कोई सौतेला नहीं है उनका, राइट? जो बहुत बाहर जा रहा है वो उन्हीं का बच्चा है, उसी का खून पैसा है, सब कुछ है, उसके साथ इनजस्टिस मत करिए। आप नहीं भेजना है तो क्लियर नोटिस निकाल दीजिए, बोल दीजिए बाहर का दरवाजा बंद, और भेजना है तो क्लियर कट बताइए कौन सी कंट्री वैलिड है। ये आधी अधूरी बातें करके
बीच बीच में वक्तव्य दे के कि वैलिड है नहीं वैलिड, ये बहुत ही सही नहीं है, हमारे नेशन के लिए सही नहीं है, इससे हम एक बहुत डिप्रेसिव कम्युनिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये बच्चे किसी लायक नहीं बचेंगे अगर कल को इनके साथ धोखा हुआ। थैंक यू वेरी मच, यही मेरा छोटा सा अपॉर्ट था हमारा, और थैंक यू आपका, आप लोग डिसाइड करिए, लेकिन प्लीज अगर आपके मन में क्लैरिटी है कि मुझे वापस आना है तो जरूर एक बार NMC का दरवाजा खटखटाइए और उनसे पूछिए कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। थैंक यू।